नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर महाराष्ट्र से आ रही, जहां महाराष्ट्र सरकार में अब तक पहले से पता था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन अब जब पहले सिर्फ कांग्रेस या उद्धव ठाकरे से नहीं बनती थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वहां पर शरद पवार से सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने टक्कर ले लिया है। और कांग्रेस ने कल ही मराठा आरक्षण को लेकर की भवंडर मचा दिया था, लेकिन कांग्रेस फिर खुलकर सामने आ गई है। और उसके बाद शरद पवार से आज उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार गिरानी है तो गिरा दो, अब नहीं अपने वजूदों से समझौता कर सकता हूं, शायद इस प्रकार से बात आई है। आइए लिए चलता हूं, क्योंकि मीटिंग में तू मैमा तक हो गया मुख्यमंत्री से, मंत्रियों का क्या कुछ हुआ है। उसके बाद कांग्रेस ने जो बड़ा फैसला लिया है वो दो सरकार अब चंद दिन की मेहमान, क्योंकि ये फैसला शायद चंद दिन की मेहमान वाला जो लाइन है वो थोड़ा कुछ देर रुकी अभी समझ में आ जाएगा कि सरकार तो अब गई, क्योंकि सरकार में किस प्रकार से चल रहा है उसके आंतरिक मीटिंग की आपको वीडियो चली दिखाता हूं। अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो के दो पार्ट हैं, इसमें शरद पवार की मीटिंग में उद्धव ठाकरे और दूसरा मराठा आरक्षण पर कांग्रेस, जिन दोनों ने उद्धव ठाकरे को इस प्रकार से कठपुतली बना रखा है। वो कहता है ये करो, वो कहता है ये करो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है जहां दो रिमोट है और टीवी एक है, और दोनों एक टाइम पर अलग अलग चैनल देखना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे किसके रिमोट पर नाचें और किसके रिमोट पर गाएं, ये डिपेंड करता है। अब चलिए बताता हूं क्या है पूरा का पूरा मामला। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकारी निवास अपने जो स्थान है वर्षा बंगले पर तकरीबन 45 मिनट तक उनकी लंबी मुलाकात हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे द्वारा पवार के सामने नाराजगी जाहिर करने की बात भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो उद्धव ने पवार के बातों में यह कह दिया कि सरकार में एनसीपी जो है के लोग अब सहयोग के पहल नहीं कर रहे हैं, और इस सहयोग से ही, बल्कि एनसीपी के सहयोग से ही सरकार बनी थी, इसलिए सरकार चलाना सिर्फ शिवसेना की जिम्मेदारी नहीं है। बीते कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी में इसके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन संजय राउत हमेशा की तरह हमेशा जैसे कहते हैं वैसा इन बातों को बेबुनियाद बता रहा। लेकिन उसके बाद जब उनके खुद के मंत्री और बाकी जो मंत्री एनसीपी के जब सामने आते हैं तो वो जब बात एक के बाद रखते हैं तो पोल खुल जाती है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि सूत्रों की माने तो ठाकरे ने पवार की मंत्रिमंडल की बैठक में एनसीपी के मंत्री के साथ तूतू मैमे कई मंत्रियों की ओर से मुख्यमंत्री की कार्यशैली का पर सवाल उठाना था। मीटिंग में मंत्रियों का तेज आवाज में बोलना यह सब ठीक नहीं है, एनसीपी की पहल पर सरकार की स्थापना हुई तो इसलिए अकेले शिवसेना सरकार बचाने के चलाने के जवाबदारी नहीं है। समझिएगा, जो मीटिंग होती है तो साहब एनसीपी के जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं सिर्फ महज मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि एनसीपी के जो मंत्री बने हुए हैं इनकी सरकार में महाविकास अघाड़ी में, वो उनसे तूतू मैं करके और बहुत तेज आवाज में मुख्यमंत्री को, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद सर्वोच्च होता है, ऐसे में कोई मंत्री अगर उनसे तूतू मैमे करके तूतलाक करके और उल्टा सीधा अगर बात करता है, लड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ईगो हर्ट होगा ही। वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, उद्धव ठाकरे का ईगो हर्ट होता है और कहते हैं कि अब मेरी अकेली की जवाबदारी नहीं है कि मैं सरकार को चला पाऊं, कि ऐसे में सरकार नहीं चल सकती। इस बैठक के जो ताउते तूफान को नुकसान और कोरोना के जगह से पैदा आर्थिक संकट, मराठा आरक्षण को कोरोना नियंत्रण पाने के किए जा रहे उपायों पर चर्चा की जा रही थी। अभी आपको ले चलेंगे कांग्रेस के भी प्रोपेगेंडा की तरफ, जहां कांग्रेस ने समर्थन वापस करने तक का फैसला ले चुकी है। जैसा आप कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने तक का फैसला ले चुकी है शरद पवार के इन तीनों, मैं आपको बताऊं, शरद पवार ने इन दिनों व्यापारियों और लोगों के लॉकडाउन के मुद्दे पर मुलाकात की थी, उन्हीं बातों पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दो नेताओं के बीच लंबी चर्चा, खबर है ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव से बाद में लॉकडाउन को हटाने के जारी रखने पर मुद्दों पर भी वहां पर चर्चा हुई है। लेकिन इस बीच आपको मैं लिए चलता हूं कांग्रेस के उस
मुद्दे को लेकर के जहां कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने का बात मन बना लिया है, प्रमोशन आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के महाविकासी अधिकारी सरकार में शुरू हो गया था महाभारत, जिसके थमने का नाम पूर्ण रूप से नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस के बीच में शुरू हुआ संघर्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए सिरदर्द बन गया है और गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस के मंत्री इस मुद्दे पर उठाने वाले थे और इस मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इस मुद्दे को कांग्रेस के मंत्री नितिन रावत, वर्षा गायकवाड़ और विजय वडेट्टीवार की उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ गरमागरम बहस भी हो चुकी है। यानी आप समझिएगा, ये त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। त्रिकोणीय श्रृंखला में एक मुद्दे पर सहमति के लिए तीन तिगाड़ा, आपने सुना होगा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली लाइन जो है उसी पे चल रही है कि यहाँ पर तीन लोग हैं और तीनों की सहमति बन पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि महाविकास आघाड़ी में जब एनसीपी के मंत्री और उद्धव ठाकरे के सामने आते हैं तो तू तू मैं करके बात करते हैं और उनको जो मन में आता वो बोलते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ईगो हर्ट होता है और यही बात यहां पर हो रही है जब महाविकास आघाड़ी को लेकर के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और उप मुख्यमंत्री यानी अजित पवार के बीच में गहमागहमी और वहां पर गर्मागर्म बहस हो चुकी है। ऐसे में सरकार चल रही है या अखाड़ा लड़ाई का अखाड़ा है या सा महाविकास आघाड़ी के नाम पे महाविकास अखाड़ा हो गया है और इस अखाड़े में अब इस समय ही नहीं पता चल रहा है कि इस जो शेर है इस रिंग में शेर कौन है और कौन बाकी जानवर है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ इस सबके बीच में कांग्रेस का रुख का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि उसने मंत्रिमंडल की मीटिंग से पहले ही इस मुद्दे को सरकार के समर्थन वापस लेने की धमकी देना शुरू कर दिया। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी की राय एकदम स्पष्ट है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इससे अवगत कराया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हैं। उनका कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया जाए और रिक्त सरकारी नौकरियों को सीनियरिटी के भरने पर 7 मई को राज्य के सरकार का आदेश तत्काल रद्द किया होना चाहिए। उसमें दो टूक कहा गया कि पार्टी यह फैसला ले चुकी है कि अगर यह शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का कहना है सरकार बाहर हो जाएगी। और वहीं नाना पटोले ने कहा कि प्रमोशन आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था, इसलिए इसे सरकार अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर एक के बाद एक जो तीन पार्टियों की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है जिसमें कांग्रेस शिवसेना एनसीपी का गठबंधन है, जहां पर तीनों अपने अपने मुद्दों पर अगर देखा जाए, जहां पर मैंने कहा ना कि यहां पर एनसीपी के पहल से, असल में एनसीपी के शरद पवार के पहल से सरकार बनी है जिसमें शिवसेना को मुख्यमंत्री बना था, उप मुख्यमंत्री एनसीपी का था और कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मलाईदार पोस्ट थी, मंत्री थे। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी ये जानती है, एनसीपी के मंत्री ये चाहते हैं क्योंकि महाविकास आघाड़ी एनसीपी के पहल से बनी हुई है तो उनका पलड़ा भले मुख्यमंत्री शिवसेना का है लेकिन पलड़ा उसमें किसका भारी है, एनसीपी का, क्योंकि एनसीपी ने दोनों के बीच में समन्वय बैठाया है। अगर एनसीपी चाहे तो आज ही सरकार गिर सकती है। ऐसे में एनसीपी के मंत्रियों को लगता है कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे हैं, वो उनके ऊपर उनके आगे सामने झुके रहें और उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो झुक कैसे सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस भी मलाईदार पार्टियां जो मलाईदार चीज़ें हैं उसको लेकर के इस समय उपभोग कर रही है, लेकिन मराठा आरक्षण के नाम पर साफ तौर पे कहा है कि बहुत ज़्यादा हुआ तो हम समर्थन वापस लेंगे और बाहर से बैठकर समर्थन, अगर बीजेपी को बाहर करना इतना कर सकते हैं कि बाहर से इस पूरे के पूरे गठबंधन को हम समर्थन दे सकते हैं, सत्ता सरकार में हम नहीं रहेंगे। ये पूरी की पूरी खबर है। अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे ऑनलाइन न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।